and today we are going to do lesson number 4, that is communication. Yes, lesson 3 is done, story of the wheels. Now we will start lesson number 4, that is communication. Yes, communication means, let's just wait. Okay, sometimes our relatives and friends, yes, staying far away means हमारे जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं हमसे बहुत दूर प्लेस पे रहते हैं, तो सो वी नीड टू सेंड देम मैसेजेस एंड इनविटेशंस. हम उनको इनविटेशन और मैसेजेस भेजना चाहते हैं, तो कैसे भेजते हैं हम? यस, बाय पोस्ट. एंड क्या करते हैं, या तो फिर कॉल करते हैं. यस, तो इन दैट इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. That is the source of, वो क्या है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो जिन रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को हम इनवाइट करना, इनविटेशन कार्ड भेजना चाहते हैं या मैसेज भेजना चाहते हैं, तो हम वो किससे भेजते हैं? बाय फोन. यस, तो फोन इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. फोन इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. आजकल तो फोन बहुत यूज हो रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. यस, इन एंशियंट टाइम मीन्स पुराने टाइम में हम कैसे करते थे, लोग क्या करते थे? कभी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, अपने पेरेंट्स से पूछना. ग्रैंड पेरेंट्स तो आपको ये बताएंगे कि यस, हम चिट्ठी लिखते थे. यस, ऐसे ही बोलेंगे, यस दे वर राइटिंग लेटर. वो पहले क्या लिखा करते थे? लेटर्स लिखते थे. यस, और भी पुरानी बात बताएंगे तो क्या होता था बेटा, पहले पिजन्स के थ्रू लेटर सेंड करते थे, पोस्टमैन नहीं आता था. यस, पिजन्स होते थे, वो लेटर्स दे के आते थे. तो कुछ ऐसे ट्रेंड पिजन होते थे जिनको पता होता था कि हमें उस प्लेस पे जाना है और ये लेटर दे के आना. फिर धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन हुए, तो वो पोस्टमैन हमारे घर पे आके लेटर देने लगा. अब नाउ अब क्या हो रहा है आजकल कि वी आर यूजिंग मोबाइल फोन. वी आर यूजिंग, यस, मोबाइल फोन. एक मिनट भी नहीं लगता, एक मिनी सेकेंड लगता होगा आपका मैसेज जाने में. यस, तो नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो नाउ दिस इज योर ईवीएस बुक. ओके, दिस इज योर ईवीएस बुक एंड वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 4. यस, तो इन सम प्लेसेस मैसेजेस वर सेंड बाय द ट्रेन पिजन. जो पिजन्स होते थे वो देते थे. तो नाउ इन प्रेजेंट टाइम द गवर्नमेंट हैज गिवन द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मैसेजेस थ्रू द फोन या बाय पोस्ट. पीपल यूज द फोन, यस, टू कॉन्टेक्ट अ पर्सन. यस, टू कॉन्टेक्ट अ पर्सन. किसी पर्सन से कॉन्टेक्ट करने के लिए हम आजकल फोन यूज करते हैं. We can speak directly to a person through the phone. Yes, okay. And newspaper is also a source of communication. Computer is also source of communication. Radio is also a source of communication. Tab is also, yes, means internet ke through bhi hume kaafi information milti hai. So these are the source of communication. Okay, so these are the source of communication. सो स्टूडेंट्स, वट इज कॉम्युनिकेशन? कॉम्युनिकेशन होता क्या है? वट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्युनिकेशन? सो कॉम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग आर आइडियाज. जो हम अपनी बातें या अपने आइडियाज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, फीलिंग्स शेयर करते हैं, थाट शेयर करते हैं विद अदर्स, दूसरों के साथ. सो वेन वी टेल समवन समथिंग, अगर किसी को हम कुछ बताते हैं, तो इट मीन्स वी कॉम्युनिकेट. हम कॉम्युनिकेट कर रहे हैं. तो इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ. इट मीन्स शॉर्टली कि हम जो अपने एक्सप्रेशंस या कुछ भी बात करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन. ओके, समटाइम्स नाउ इन प्रेजेंट टाइम्स द गवर्नमेंट हैज़ गिवन द फैसिलिटी. हमें फैसिलिटी दी है टू सेंडिंग आर मेल, आर इन्विटेशन कार्ड्स या लेटर्स थ्रू मेल. मेल के थ्रू हम डालते हैं, बाय पोस्ट,
दिस इज कॉल्ड द पोस्टल सर्विसेज. ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, अगर बाय पोस्ट करते हैं तो पोस्टल सर्विसेज मिली हुई हैं. नाउ द फोन हैज़ बिकम एन ईजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स जो आजकल फ़ोन है वो सबसे ईजी मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया. तो पीपल यूज़ द फोन टू कॉन्टैक्ट ए पर्सन वेदर इज फार और नियर. जो कोई पास या दूर भी है तो उनसे हम फ़ोन के थ्रू, कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. यस, आजकल तो हम, आप और हम भी फ़ोन से ही कनेक्ट हुए हैं. यस, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो एक बार भी अभी स्कूल नहीं आए थे और डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. तो वो भी क्या है, सब लोग फ़ोन से कॉन्टेक्ट के थ्रू, फ़ोन के थ्रू ही वो हुए हैं, टच में आए हैं. तो वी कैन स्पीक डायरेक्टली टू अ पर्सन थ्रू द फोन एंड इट इज़ एन ईजी एंड क्विक मीन ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे ईजी वे है ये. सो कम्युनिकेशन का यही है बेटा कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं कम्युनिकेशन के, और सबसे ईजी और क्विक जो है वो क्या है हमारा, यस, फ़ोन. अदरवाइज़ हम टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का सोर्स है. रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का सोर्स है. नेट पे न्यूज़ देखते हैं, वो भी एक सोर्स है. टैब पे भी देखते हैं, वो भी सोर्स है. यस, सो दीज आर द सोर्सेज. अब आपको सोर्सेज का पता चल गया, सोर्स मीन्स क्या है. सो नेक्स्ट इज मीन्स हम इस नेक्स्ट इस लेसन में और क्या पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं. तो देर आर टू टाइप्स, पर्सनल एंड मास. पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. ओके, दैट वी विल रीड इन आर लेसन रीडिंग. एंड हाउ डू वी कम्युनिकेट, कैसे करते हैं हम एक दूसरे से कम्युनिकेट. एंड कम्युनिकेशन इन टूडेज टाइम. टूडेज टाइम मीन्स आज के टाइम में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है. यस, लेटर, फोन, दीज मैंने जो आपको बताए हैं बेटा सोर्सेस. ओके, स्मार्टफोन्स, यस, दीज आर द सोर्सेस. मेन जो बेटा इसका पूरे लेसन का है वो है सोर्स, हमें किसके थ्रू हम कैसे कनेक्ट होते हैं. ओके, और क्या क्या इसके टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के, क्या क्या टाइप हैं. सो आई होप यू ऑल हैव डन अंडरस्टूड दिस. आपको समझ आ गया होगा सोर्सेज और कम्युनिकेशन के बारे में. So in next class we will read this lesson. So in next class we will read this lesson. So till then, goodbye and have a nice day.